नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। भारत के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है जब सावन जैसे पवित्र महीने में शिव भक्त जल अभिषेक करने से वंचित हैं। वहीं पर जिला प्रशासन बहुत अलर्ट है क्योंकि कोरोना महामारी को चलते प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल अभिषेक नहीं किया जाए, परंतु मंदिर के महंतों ने कानून व्यवस्था का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है और भक्तों को दूर से जल चढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। बरेली नाथ नगरी कहे जाने वाले प्रसिद्ध नाथों में से हमने अपने दर्शकों को कई नाथों के दर्शन कराए हैं। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से मॉनिटरिंग कराई जा रही है, सैनिटाइजिंग कराई जा रही है। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं धीरेंद्र सिंह। बात करते हैं आज सावन के पवित्र महीने की। आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सावन में भक्तों को जल अभिषेक ही करने दिया जा रहा है। कारण कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी। कोरोना का डर बरेली में इस कदर फैला हुआ है जिसकी वजह से हर मनुष्य में दहशत है। और हम आज खड़े हुए हैं यहाँ पर नाथ नगरी के एक प्रसिद्ध नाथ में, बाबा तपस्वनाथ मंदिर पर। आइए हम देखते हैं किस तरीके से आज व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है। बात कर रहे हैं अभी हम तपस्वनाथ मंदिर के महंत जी से और पूछते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी जल चढ़ाने की। कैसे व्यवस्था कर रखी है आज जल चढ़ाने? ये हमारे सरकार के जो नियम आए हैं उसके हम नियमों का पालन कर रहे हैं। और जो हमारे इस बार जो श्रवण मास का जो था, सभी शिव भक्त जो पहले जो जल चढ़ाते थे बाबा तपेश्वर नाथ जी थे, वो अब नहीं चढ़ पा रहा है। वहाँ पे दोनों तरफ ताले पड़े हुए हैं, तो हमने दूसरी एक व्यवस्था बनाई है बाबा तपेश्वर नाथ जी पे जल चढ़ाने की, सब शिव भक्तों के लिए। तो ये इन्हीं से ही प्रसन्न होते हैं। तो हमने यहाँ से एक कलश लगा के एक अंदर पाइप लगाया है। तो जैसे ये भैया जल डालेंगे, इसमें आप जल डालिए भैया, तो ये भैया जल डालेंगे तो ये बाबा तपेश्वर नाथ जी के डायरेक्ट जो है मस्तिष्क पे प्रवेश करेगा। तो यही हमने इसका उपचार निकाला है। सरकारी कानून के नियम के हिसाब से हम ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का प्रयोग मंदिर में और उचित दूरी बनाए रखें, ये सभी चीज़ों का हम नियम बना रहे हैं। अभी तिलक नहीं लगेगा। अभी महंत जी से हमारी बात हुई, देखा कि एक तरफ से लोटे में जल डाला जा रहा है और किस तरीके से जल चढ़ेगा वहाँ पर, आइए वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आपको दिखाया कि एक बड़े लोटे में जल उधर से डाला जा रहा है और दूसरी तरफ वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ भी रहा है। हम अपने समस्त भक्तों को, शिव भक्तों को दिखाना चाहते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इस बार किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। भक्त अब शिवलिंग पर सीधे जल नहीं चढ़ा सकते। कोरोना महामारी का इतना प्रकोप है जिसको देखते हुए ये ऐतिहासिक कदम और ज़रूरी कदम मंदिर श्री तपस्वनाथ मंदिर के महंत जी ने उठाया है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शिवानी है, मैं मणिनाथ से आई हूँ। अच्छा, जैसे आज जल चढ़ाना वर्जित है। हाँ, वो तो है। हाँ, तो उसके विषय में अब आप क्या कहना चाहते हो और आज का अनुभव आपको कैसा लगा? आज का अनुभव मतलब पहले जैसा नहीं है और हर भक्त चाहते हैं कि हमें मंदिर जाने को मिले, हम प्रसाद चढ़ाएं, जल चढ़ाएं भोले जी को। और सावन का पहला सोमवार हर भक्त यही चाहते हैं कि हम मंदिर जाएं। तो अभी काफ़ी श्रद्धालु आ नहीं पा रहे हैं तो अपने घर पे ही पूजा पाठ करते हैं। और जो जिसको थोड़ा सा आने को मिल रहा है वो थोड़ा आ रहा है, आसपास के लोग आ रहे हैं मगर दूर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब क्या मानते हैं ये कदम, क्या ठीक है, क्या कहते हैं इसके विषय में? ये सरकार मतलब वैसे तो ठीक ही है पर जो है जो हो रहा है वो संक्रमण से बचने के लिए जो हो रहा है वो कर रहे हैं, पर जितना हो सक रहा है उतना तो हो रहा है। आज आप जल नहीं चढ़ा पाए, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? आज हमने बहुत अच्छे तरीके से जल चढ़ाया और जो ये नियम चल रहा है उससे बहुत अच्छा लगा और हम काफ़ी अच्छे तरीके से पूजा पाठ भी कर पा रहे हैं। किस तरीके से आपने जल चढ़ाया फिर आज? मैं हमने थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जल चढ़ाया था, पाइप से अलग थोड़ा व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था बनाई रखी और काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखा है। भारत सरकार का ये नियम बहुत अच्छा है। एक बात करते हैं शिव भक्त से, उन्होंने आज किस तरीके से जल चढ़ाया, बात करते हैं आज के अनुभव की। क्या नाम है सर आपका? संजय कठेरिया। संजय कठेरिया जी, आज जो है जल चढ़ाना डायरेक्ट वर्जित है और ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है व्यवस्था, कानून व्यवस्था के माध्यम से। इसमें आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
वैसे तो सरकार ने जो फैसला लिया है ठीक ही है, लेकिन इसमें भक्तों को थोड़ा परेशानियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी हमने जो सरकार का फैसला था उसको माना है। और अब आज हमारे यहाँ मंदिर में जो जल की व्यवस्था है वो पीछे से कलश द्वारा है, कलश में जल डालकर और अंदर जल प्रवाहित हो रहा है, इसी तरीके से हम सभी लोगों ने जल चढ़ाया यहाँ पर। अब जैसे कि मतलब ये भी देखा गया है कि हर साल जो है जल अभिषेक भी करने के लिए लोग जगह जगह तीर्थों में जाते भी हैं, गंगा जी में जल लेने आते हैं, उसके विषय में इस बार क्या कहना है आपका? अब जो सरकार का हमारा जो फैसला है वो यही है इस बार कि सभी पर पूरी तरीके से सख्ती बरत रहे हैं। जो उजहानी, हरिद्वार, कचला जो सभी भक्तगढ़ जाते थे उन सभी लोगों को विराम लगा दिया गया है और कम से कम संख्या में लोगों को भेज रहे हैं, और अभी तक की जो सूचना है शायद कोई भी नहीं जा रहा है। नहीं, क्या लगता है क्या शिव भक्त रुक पाएंगे इस बार? वैसे तो रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है, कहना ही नामकिन है कि लोग रुक जाएं। मेरे हिसाब से तो लोग नहीं रुके। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी भक्त जानते भी हैं कि आज आपको किस तरीके से जल चढ़ाया जा रहा है बरेली के हर नात में, सिटी न्यूज़ की टीम आपको ये दिखा रही है। अभी अभी हम तपस्वी मंदिर से होकर आ रहे हैं, अभी हम पहुँचे हैं अलखना। आज महाराज जी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कोरोना महामारी को देखते जो प्रशासन के आदेश थे उनका किस तरीके से पालन किया गया? जब से लॉकडाउन लागू हुआ हमारे मंदिर अलखनाथ में श्री गुरु महाराज जी ने उन्हीं सब बातों का अनुपालन कराया जो प्रशासनिक तौर पर हमको प्राप्त हुआ, तो भी आदेश प्राप्त हुआ। और आज भी जिस आदेश का उन्होंने हमको आज्ञा दिया है उसके अनुपालन हो रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे SP साहब और ख़ास करके किला पुलिस प्रशासन जो हमारा है, आज तक हमारे जितने भी श्रावण के कम किला पुलिस के द्वारा जो जिस प्रकार सक्रियता से, सुंदरता से, सहजता से यहाँ जलाभिषेक, अभी आज भी देखिए आप जलेरी बनी है तांबे की, तांबे का कलश लगा है, बाहर से जल चढ़ाइए, शिव जी पर ही चढ़ रहा है और किसी का प्रवेश भी अंदर नहीं है। और दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा है कि चैनल के अंदर 5 लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, 5 लोग रिंग में खड़े हो रहे हैं, एक एक करके आदमी जाता है, पहले जल चढ़ा के 5 बाहर होते हैं फिर 5 अंदर आते हैं। बाहर भी रिंग्स बना रखे हैं, बाहर पटरी से लेके यहाँ तक उन रिंग्स के अनुरूप में वहाँ पुलिस प्रशासन बहुत सक्रियता के साथ। महाराज जी आज व्यवस्थाओं के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी व्यवस्थाओं के विषय में जो एक तो हमने आप देख ही रहे हैं कि हमने शिवालय अपना जो है बिल्कुल बंद कर रखा है, इसलिए क्योंकि शिवालय के अंदर अगर भक्त लोग जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है, वहाँ जाएंगे भीड़ लगेगी, इस वजह से हमने शिवालय बंद कर दिया है। और शिवालय बंद करके हमने एक जलहरी, तांबे की जलहरी का व्यवस्था कर रखी है, भक्त लोग आएँ, उनकी आस्था है क्योंकि प्रशासन ने तो हमको ये दे रखा है कि कुछ भी ना चढ़ाने दें, इसलिए जब भी हमने उनसे कहा कि जल आप चढ़ाइए, जल अभिषेक भोलेनाथ, सावन का महीना है, भोलेनाथ जल से प्रसन्न होते हैं, इसलिए जल से आप अभिषेक करिए भोलेनाथ का। और बाकी सोशल डिस्टेंस का आप देख ही रहे हैं पालन कराने के लिए बना रखी व्यवस्था, और बाहर सैनिटाइजर मशीन लगा रखी है, आप जब भी आएँ सैनिटाइजर कीजिए, अंदर बाहर आते हुए अपना हाथ को सैनिटाइज कीजिए। और बाकी भक्तों से हमारा बहुत अनुरोध है कि कृपया घर से जितना कम हो उतना ही कम बाहर निकलें, सावन का महीना है, आस्था है मंदिरों में आने की, जब भी आएँ और आए तो पूरी सुरक्षा से आएँ, नहीं तो घर में रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भजन करें, भोलेनाथ हर जगह व्याप्त है, आप जहाँ उनको याद करेंगे वहीं आपको दर्शन देंगे। नाम है सर आपका? मेरा नाम है अभिनव गौड़। आज गौड़ जी जल किस तरीके से चढ़ाया? बहुत अच्छी मंदिर में सुविधा है कि हम भगवान का भगवान की जो सेवा कर रहे हैं वो उनकी एक उचित व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर भगवान को जल अभिषेक के लिए, एक उन्होंने बाहर गेट बंद है और बाहर से ही हम लोग एक तरीके से जल चढ़ा रहे हैं भगवान को अर्पित कराए, बहुत आनंद प्राप्त हुआ है हमें और बहुत अच्छी यहाँ पे प्रशासन ने और आप लोगों ने सबने व्यवस्था बना रखी है, उचित दूरी है और पूरा लॉकडाउन का यहाँ पे पालन हो रहा है। जय हो महादेव, हर हर महादेव। जैसे कि अभी हम अलखनाथ मंदिर से होकर आ भी रहे हैं, देख रहे हैं व्यवस्थाओं को बहुत व्यवस्थित करके रखा गया है, जितने भी भक्त आ रहे हैं उनका तापमान भी चेक किया जा रहा है, उन्हें सैनिटाइज भी कराया जा रहा है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करा जा रहा है, कुल मिलाकर प्रशासन के दिए हुए आदेशों का अनुपालन बहुत ही सजगता से किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर भक्त चाहेंगे तो पूरे सावन इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए आनंद भी लेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं धीरेंद्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली। इसी तरीके की लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।